इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। अगर आप पब्लिक प्लेस पर पान, गुटखा, सुपारी खाते हैं और सड़क पर थूकते हैं तो यह खबर आपके लिए है, सावधान हो जाइए। इस वक्त मुंबई में बीएमसी की टीम ने एक मुहिम चला रखी है और सड़क पर थूकने यानी स्पिट करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाना शुरू हो चुका है। मुंबई की सड़कों पर जब बीएमसी पूरे एक्शन में थी तो वहां हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह भी मौजूद थे। जयप्रकाश सिंह के कैमरे में ऐसे बहुत से लोग कैद हुए जो न सिर्फ मुंबई को गंदा कर रहे थे बल्कि जाने अनजाने में कोरोना वायरस भी फैला रहे थे। मुंबई महानगर पालिका ने ड्राइव शुरू किया है थूकने वालों के खिलाफ, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो थूकते हैं उसकी वजह से कोरोना का जो संक्रमण है वो ज्यादा फैलता है। और मुंबई महानगर पालिका ने अभी अभी एक आम बेचने वाले जो व्यापारी हैं उनको पान खाकर थूकते हुए, गुटखा खाकर थूकते हुए जो है यहाँ पर पकड़ा हुआ है। और ये देखिए, फाइन की रसीद फाड़ी जा रही है, साथ में सुरक्षाकर्मी भी हैं और बीएमसी के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। ये रंगे हाथों इनको पकड़ा गया है। बीएमसी ने अब तक 200 रुपये फाइन का चालान काटने का जो नियम है वो बनाया था, लेकिन अब ये नियम जो है 1200 रुपये होने वाला है, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका के जो कमिश्नर हैं वो इस नियम को 1200 करने वाले हैं, 200 से 1200। तो ये जो 1200 का नियम होगा, इसके बाद जो लोगों में अनुशासन है वो और ज़्यादा कड़क होगा, लोगों में अनुशासन और ज़्यादा बढ़ेगा, ये इसके पीछे का उद्देश्य है। तो थूकने से कोरोना फैलता है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी इसके ऊपर की है। बीएमसी भी इस टिप्पणी को जो है अमली जामा पहनाने में जुटी हुई है। और अभी अभी देखिए, बीएमसी के अधिकारी हेल्थ डिपार्टमेंट के एक रसीद फाड़ रहे हैं, 200 रुपये अभी इन्होंने फाइन लिया है और अब ये फाइन की रकम यहाँ पर बढ़ाई जाने वाली है। सबसे पहले सर, आप ये बताएं कि जब आप मोटरसाइकिल से जा रहे थे तो उस समय आपने क्या देखा यहाँ पर इस पल वाले के साथ? हम लोग बीएमसी में उपद्रव शोधक का काम करते हैं, जो कि स्पीडिंग करते हैं, जो भी इलीगल कुछ भी होता है उसको हम लोग से फाइन करते हैं। तो मैंने अभी जाते ही देखा था, ये बंदे ने गुटखा खा करके या अपने धंधे के सामने ही थूक दिया, खुल्ला किया, तो उसके तहत इसको 200 रुपये जुर्माना मैंने भी रिसीट दे चुका हूँ। और इनको मुझे समझाना है कि अभी 200 है लेकिन फिलहाल कोर्ट में अभी 200 का 1200 होने वाला है। तो थूकने से तुम्हारा पेनल्टी पैसा भी नुकसान होने वाला है, दूसरी बात ये कोरोना का सबसे ज़्यादा फैलने का चांसेस है इसमें। तो आप प्लीज़ आपसे विनती करता हूँ कि आप ना थूकना नहीं, या तो फीकदान रखो या तो रस्ते में इस तरह से इलीगल थूको मत। क्या आप ऐसा पहले भी करते हैं या अभी आज आप यहाँ पर करे हैं और उसके बाद आगे नहीं करेंगे, आप बताएं? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे भी नहीं करता हूँ। फिलहाल क्या है कि अभी मैं सादा सुपारी मतलब बैठा था तो हाँ, तो थोड़ा दांत में दुख रहा था तो मैं उधर से सादा सुपारी ला, सादा सुपारी खाया और मैं आपके सामने बस खाली कुल्ला किया, मतलब थोड़ा प्यास लगा तो पानी पीने लगा, बस सुपारी का पानी डाल के कुल्ला किया। जी, लोगों के जो एक्सक्यूज है वो कितनी हम कह सकते हैं कितनी मतलब मजाकिया है। इनका कहना है इनके दांत में दर्द है इसलिए इन्होंने थूका है और सड़क पर यहाँ पर पीकदान लगाया जाना चाहिए क्योंकि जिसके जिसके दांत में दर्द होगा वो थूकेगा कहाँ पे। लेकिन थूकना मना है, कोरोना का समय है और ये 200 रुपए की रसीद इनको एक यहाँ पर दी गई है। हम अंधेरी रेलवे स्टेशन के बाहर आए हैं और जो बीएमसी की हेल्थ कमेटी की टीम है और जो यहाँ की इनकी साफ सफाई कमेटी की टीम है, ये अभी अभी एक और शख्स को यहाँ पर इन्होंने पकड़ा हुआ है। ये शख्स ने भी जो है अभी कुछ मुंह में पान खाकर थूका था, इनको तुरंत जो है यहाँ पर पकड़ा गया है और पकड़ने के साथ इन्हें फाइन मारा जा रहा है। ये पूरा का पूरा जो ड्राइव है वो इसलिए किया जा रहा है ताकि मुंबई शहर में जो लोग खुलेआम सड़कों पर थूकते हैं, पान खाकर, गुटखा खाकर, उनको प्रतिबंध लगाया जाए, उनको कहीं ना कहीं डर का एहसास हो। कि अब तक 200 रुपया फाइन था, ये मुंबई महानगर पालिका ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर 1200 रुपया कर दिया है, उसका इंप्लीमेंटेशन अभी होना बाकी है। लेकिन जो ड्राइव है बीएमसी की वो लगातार यहाँ पर चल रही है, लोगों को ये समझाया भी जा रहा है कि आज 200 रुपया ले रहे हैं कल 1200 रुपया वसूला जाएगा। अगर आपके मन में इसी तरह से डर नहीं रहा तो पैसे भरने के लिए तैयार हो जाइए। आप ये बताएं कि जब आप इनको चेस किए, जब आपने इनको देखा तो ये क्या लाइव आपको थूकते हुए मिले? हाँ, यहाँ पे पीछे से आके मैंने देखा तो ये तम्बाकू खा के थूक रहे थे स्टेशन प्लेस में, जो कि गलत है। तो आपने इनको क्या समझाया कि क्यों थूक रहे हैं क्या? नहीं, मैंने बोला उनको कि ऐसा सार्वजनिक जगह पे थूकना बीमारी का कारण हो सकता है, कोविड इससे ज्यादा फैलता है, तो आप इसे नहीं थूके। तो इन्होंने तम्बाकू खाया था। अच्छा, आप अगली बार थूकेंगे? नहीं, अभी नहीं करेगा, अभी हो गया, दोबारा नहीं करेगा। क्या तम्बाकू खाया था आपने? हाँ। तो क्यों थूका आपने? ऐसा सड़क पे थूकेंगे आप कहीं भी? नहीं, अभी कल से नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा, दूसरे टाइम नहीं करेगा, दूसरे टाइम नहीं करेगा। इसके पहले किया था? नहीं, अभी नहीं, अभी आया था, लेट होगा। पहली बार हुआ ऐसा? हाँ, पहली बार। ये कह रहे पहली बार हुआ है, इसके पहले नहीं हुआ, इसके पहले तो हुआ ही होगा ना, तम्बाकू खाते ही ना? खाते, लेकिन अभी इधर आया जरा।
नहीं अभी नहीं करेगा, अभी दोबारा नहीं करेगा, दोबारा नहीं करेगा, दोबारा नहीं करेगा। गलती मानते हैं? गलती मान लेगा। तो इन्होंने अपनी गलती मान ली है, क्या करें आप, इन्होंने गलती मान ली है, हाथ में अभी इसको गलती मान ली है, उसको 200 रुपए पेनल्टी मार के आइंदा अगर ऐसा करेगा तो 1200 फाइन है, ये सब इनको समझाए हैं, दोबारा हम इनको छोड़ रहे हैं हम लोग। अगर किसी के पास 1200 रुपए जेब में नहीं रहा तो वो कैसे फाइन भरेंगे? अगर उनके पास अगर 1200 रुपए फाइन नहीं है तो हम लोग श्रमदान करके लेते हैं कि बाबा इधर का आधा घंटा झाड़ू मारो, ये श्रमदान करो ऐसा। हाँ हम श्रमदान करो ऐसा बेस करते हैं हम लोग। यहाँ पर अलग अलग जो बातें हैं वो ले देखिए, इन्होंने भी अपना 200 रुपये फाइन भरा है, 500 रुपये की नोट दी है, और ये देखिए इनकी रसीद यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये इनकी रसीद है, इन्होंने ये गंगाधर इन्होंने अब 200 रुपया जो है पान तंबाकू खाकर थूका। रेलवे स्टेशन से बाहर तमाम लोग निकल रहे हैं, ये स्टेशन का सबसे व्यस्त निकलने वाला मार्ग है, और यहाँ पर भी लोग देखते हैं, यहाँ पर बीएमसी की टीम खड़ी रहती है कि कोई मुंह में जो मास्क लोग बांध के आ रहे हैं इसमें अंदर कोई पान तो नहीं खा रहा है, कोई गुटखा तो नहीं खा रहा है, और आते ही लोग बाहर खुलेआम थूक देते हैं। लेकिन ये थूकने से होता ये है कि वायरस हवा में फैलता है, और हवा में जो ये वायरस है ये दूसरे लोगों को जो है इन्फेक्टेड करता है। आपको लग रहा है बीएमसी की राइट सही है? हाँ सर राइट है, बीएमसी को करना चाहिए सर, करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए कि एक की वजह से दूसरा कोई बीमार नहीं पड़े सर। अच्छा। बहुत कानून में तो सर होना ही चाहिए, ये सब कड़क कानून जब तक नहीं हुआ तब तक अपना हिंदुस्तान में क्या सर लापरवाही चलते रहेगा, लापरवाही जब तक कड़क कानून नहीं। आपको लगता है सर कड़क कानून होना चाहिए? बिल्कुल कड़क कानून होना चाहिए, बिना कड़क कानून के चले गए थे ये सारी जो परेशानियां लोग को देख रहे हैं आप, बिना कड़क कानून कैसे चले? अभी तो इस टाइम पे थूकना जरूरी नहीं है, कोविड चल रहा है इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को, और ये महामारी है इसमें तो लोगों को खुद समझना चाहिए कि पान गुटखा करके खा करके थूकना ये अलाउ नहीं है। तो बीएमसी जो कर रही है सही कर रही है? ये बीएमसी जो कर रही है वो ठीक कर रही है, अपना काम कहना है बीएमसी जो कर रही है सही कर रही है। तमाम यहाँ पर लोग हैं बड़ी संख्या में, मुंबई शहर का ये सबसे बिजी अंधेरी रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पर बड़ी संख्या में देखिए बाहर ऑटो वाले भी खड़े हैं, ऑटो के लिए मुसाफिर भी यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर दुनिया भर के देखिए यहाँ पर पान और गुटखा खाकर थूके गए हैं, और ये एकदम नया है, यानी कि ये एकाध दिन में ये थूका हुआ पान और गुटखा है, और इसी से कोरोना ज्यादा फैल रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी दी है, बीएमसी कमिश्नर ने इस पर कड़े नियम बना दिए हैं, अब ऐसे थूकने वालों के खिलाफ 1200 रुपया फाइन होगा। लेकिन यहाँ पर जो हमें गंदगी नजर आ रही है ये ऐसा लग रहा है करीब 100-200 लोगों ने यहाँ पर ये थूका हुआ है, तो सर इतनी ज्यादा गंदगी यहाँ पर है, आप लोग की ड्राइव कैसे सफल होगी? एग्जैक्टली ये अंधेरी स्टेशन के बाहर का आप बता रहे हैं, और यहाँ रिक्शा स्टैंड है, रिक्शा वालों या जो यानी रिक्शा के वेटिंग में जो लोग रहते हैं खड़े, वो लोगों का ये काम है कि थूकते रहने का। अभी अपने पास जो स्क्वाड है वो उसको हर एक स्क्वाड को उनको जगह दी है कि इधर जाके ये करना है, तो ये बहुत ही मुश्किल है लोगों को। हाँ तो यहाँ भी उतना ही हम लोग फाइन उनसे वसूल करते हैं। अब यहाँ पर दिखाइए, देखिए यहाँ पर पीछे पब्लिक जो है कितनी बड़ी तादाद में निकल रही है, और जैसे ये पब्लिक निकलती है बाहर आने के बाद, क्योंकि ट्रेन में तो ये कहीं थूक नहीं सकते, तो ट्रेन का जो पान है गुटखा है मसाला है वो यहाँ पर आकर ये लोग गिरा देते हैं, और यहाँ पर ये जो पूरा ये थूकते हैं इस तरीके से लाल लाल जो पूरा निशान बन जाता है, ये सबसे बड़ा कारण है कोरोना के फैलने का। और कोरोना कम तब होगा जब लोगों में अनुशासन आएगा, और अनुशासन तब आएगा जब लोगों में डर पैदा होगा, और ये डर जो है वो तब पैदा होगा जब ऐसे ड्राइव बीएमसी लगातार करेगी, और बीएमसी की ड्राइव लगातार चल रही है। बीएमसी कोशिश कर रही है कि जितने भी यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो पान और गुटखा खाकर थूकते हैं, ये ऑटो स्टैंड के लोग हैं, ये तमाम और दूसरे लोग हैं, इनमें कहीं ना कहीं अनुशासन आना बहुत जरूरी है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।